दोस्तों, हमारे इस चैनल के एक फैमिली मेंबर हैं अक्षय जी। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और उनके क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हर एक चीज़ को कितनी बारीकी से समझ रहे हैं और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका जो सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल या स्कूटर होता है उसमें इस तरह का कॉयल असेंबली होता है और ये जो कॉयल है इसमें ये स्टार्टिंग कॉयल है दो और ये लाइटनिंग कॉयल है। और अभी जो मोटरसाइकिल और स्कूटर ज़्यादातर आता है उसमें इसमें एक ही टाइप का कॉयल होता है और हर एक मोटरसाइकिल और स्कूटर में सिंगल सिलेंडर वाले में इस तरह का पिकअप कॉयल होता है। यहाँ पे देखिए, ये पिकअप कॉयल है, ठीक है। और आपका जो मैग्नेट व्हील होता है उस मैग्नेट व्हील के सरकमफ्रेंस पे एक एलिवेशन रहता है। वो एलिवेशन जैसे ही घूम के यहाँ पे आता है, इस पिकअप कॉयल, ये जो सेंसर है एक तरह का, ये सेंसर ये सेंस करता है कि जो आपका पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे पहुँचने वाला है और ये सिग्नल भेजता है आपके CDI को और CDI स्पार्क क्रिएट करता है आपके स्पार्क प्लग में। ये जो अक्षय जी हैं, इनका क्वेश्चन है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में जो आपका क्रैंक रहता है और जो आपका मैग्नेट व्हील होता है वो 2 बार मूव करता है, ठीक है, 2 बार मूव करता है, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होता है। इंटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो यहां पे कैसे पता चलता है आपके CDI को कि इस रिवॉल्यूशन में स्पार्क क्रिएट करना है और इसमें नहीं करना है? ये इनका क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेट व्हील होता है 2 बार रोटेट करता है बट जो पावर स्ट्रोक एक ही बार आता है और स्पार्क प्लग भी एक ही बार जनरेट करना होता है। तो ये कैसे पता चलता है? अगर आप मैग्नेट को कैसे भी फिट कर देंगे वो की को देख करके, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये कैसे होता है? अगर आप कार को देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये कार का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे ये जो कार है ये 4 सिलेंडर कार है और यहाँ पे देखिए सिलेंडर का ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, इस तरह से इसमें जाएगा, स्पार्क होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इग्निशन कॉइल का वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है सेंटर में और यहाँ पे आपका ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। ये देखिए, इस तरह से अंदर में ये लगा हुआ रहता है। ये देखिए, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे करंट आता है आपका इग्निशन कॉइल से और ये इस तरह से रोटेट करता है डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे, और सारे सिलेंडर के स्पार्क प्लग को सीक्वेंस में एक एक करके स्पार्क प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे तो भाई कार में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है बट आपके मोटरसाइकिल में तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, आपके स्कूटर में तो ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, तो इसमें कैसे काम करता है ये आपको बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अक्षय जी का। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि मोटरसाइकिल में ये कैसे काम करता है और जो बेस्ट आंसर रहेगा उसे मैं पिन करूंगा टॉप में। और अगर आपने सही आंसर दिया इसका मतलब कि आप इंजन को अब बहुत अच्छे से समझने लगे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको संडे को दूंगा। तो आप इसका वेट कीजिए और तब तक आप रिसर्च कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं या अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके मन में कोई इसी तरह का अच्छा क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए, और अगर इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों में शेयर किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।